ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन AIMJF टर्फ कप MPL 2021 managed by Dokodia Brothers Walak Jamaat under guidance of Mr. Asif Abijumal, Chairman AIMJF Sports Wing. Following 9 teams participated: Seva, Jamnagar Jamaat, Walak Jamaat, AIMJF Lalaji Lions, Khandwani Legends, Abijumal Royals, Ark Warriors. Memon Times Gondal Jamaat Urban Slayers. Semi-final was played between Jamnagar Jamaat vs AIMJF Lalaji Lions, out of which AIMJF Lalaji Lions won. Ark Memon Times vs Seva, out of which Seva win. Final was played between AIMJF Lalaji Lions vs Seva, out of which AIMJF Lalaji Lions win. All management. NT committee members and guest of honors were felicitated with shawl. Mr. Imran Fruitwala, Mr. Shakir Batliwala, Mr. Shakil Batliwala, Mr. Rafiq Advani, Mr. Imran Sudiwala, Mr. Sohail Malkani, Mr. Umar Adenbala. Mr. Asif Abijumma presented a silver plaque of AIMJF to Mr. Imran Fruitwala for his selfless dedicated services as a chairman AIMJF Youth Wing and stated that he is third person to receive such honor after Mr. Iqbal Memon Officer and Mr. Aziz Machiwala. Following memento trophies were awarded. Posthumous award memento: late Hanif Amin Dokodia, chief guest memento, Mr. Iqbal Memon Officer. Special guest memento: Mr. Asif Abijumma, Mr. Aziz Malkani. Best Bowler Trophy, Mr. Shahbaz from Seva. Best Batsman Trophy, Mr. Ferret from AIMJF Lalaji Lions. Runner-up Trophy, Seva. Winner Trophy, AIMJF Lalaji Lions. Mr. Iqbal Memon Officer appreciated the excellent management of tournament by Mr. Hashim and Hum Zah Dokodia. He further appreciated the great selfless services of late Hanif Bhai Dokodia and stated that Hashim and Hamza Dokodia are walking on footsteps of late Hanif Bhai Dokodia. Banner was unveiled regarding appointment of Mr. Iqbal Memon Officer as a Vice President of Global TV from India. Memon Community का एक Global TV है, Global TV है, और वो Global TV जो International है, उसका Vice President बनाया गया है, हमारे Honorable AIMJF के President Mr. Iqbal Memon Officer. क्या बात है? बहुत बढ़िया। और आज हिंदी की वजह से International जो Global Memon TV है, वो आज इंडिया में आ गया है। ये हमारा प्राउड की बात है। सबसे पहले तो सत्तार अदीम साहब जो इसके चेयरमैन है ग्लोबल टीवी के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कमजोर कांधे पे इतना बड़ा बोझ उन्होंने दिया। मगर मैं ये बोझ उठाया वो आप लोगों के भरोसे, ये आपको वादे कर दूं कि मुझे फख्र है मेरी टीम के ऊपर और मुझे ये मेरा हाथ पटाएंगे। आज इन्होंने पहला काम इन्होंने किया कि अपना यहाँ से जो रिले हो रहा है, साथों साथ ग्लोबल टीवी के अंदर भी वहाँ रिले हो रहा है, पूरी वर्ल्ड देख रही है और इसका समाचार भी अच्छी तरीके से वो बनाएंगे और कल इंशाल्लाह इसका समाचार भी रिले होगा। मेरा नाम है समीर हाजी मोहम्मद लतीफ़ मर्चेंट, मैं खंडवानी से हूँ, खंडवानी लेजेंड से, खंडवानी का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। मैं AIMJF में भी मतलब स्पोर्ट्स में हूँ, स्पोर्ट्स यूनिट में, प्लस ये टूर्नामेंट जो है वो हमज़ा और मुन्ना दोकादिया कर रहे हैं उनके डैडी के नाम पे, प्रेजेंटेड बाय AIMJF है।
लेकिन इन लोग पूरा हैंडल कर रहे हैं, मैनेजिंग उन लोग के हाथ में, एंड दिस इज़ लाइक अवर कम्युनिटी थिंग। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी रियाज मेमन है और मैं जामनगर अलाई मेमन जमात का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी भी हूँ। ये जो हमारा टूर्नामेंट जो हो रहा है, ये वालक जमात और दोकड़िया ब्रदर्स, ये इन्होंने स्पॉन्सर किया है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और जो कप का नाम है वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के नाम पे है और ये हमारा सीज़न वन है। इसमें 9 टीम्स तकरीबन पार्टिसिपेट कर रही है और ये बहुत अच्छा बैनर है। ये बच्चों ने जो सोचा है कि मेमन कम्युनिटी का भी एक टूर्नामेंट ऐसे होना चाहिए कि वो जिसको लेके सारे मेमन्स एक प्लेटफॉर्म पे आवे, हम सारे लोग एक साथ खेलें। जीत हार ये कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पर। पहला हमारा मोटो है कि हम हमारी कम्युनिटी के लिए खेल रहे हैं और हमारी कम्युनिटी के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मौका हमको जो मिला है हमारी कम्युनिटी को परफॉर्म करने का, दिस इज़ द बेस्ट चांस। और मैं चाहूँगा कि ये सीज़न 1, 2, 3, 4 हमारे आसिफ भाई अब्बा जुम्मा, जो हमारे स्पोर्ट्स विंग के जो चेयरपर्सन है, ही इज़ डूइंग अ बेटर रोल फॉर दिस। और इंशाल्लाह वजीम उन्होंने वादा किया है कि सीज़न 1, 2, 3, 4 ये सीज़न चलते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते, आदाब और सभी व्यूवर्स, सभी दर्शकों को जो हमारे इस चैनल के माध्यम से और हमारे फेडरेशन के सारे खैरख्वाहों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। ये टूर्नामेंट सारे यूथ आइकन और सारे जो स्पोर्ट्स विंग के कार्यकर्ता है, इनकी मेहनतों का सिला है। हमारे स्पोर्ट्स विंग के मेंबर हाशम डोकाडिया और हमज़ा डोकाडिया, इन्होंने इस सीज़न का आगाज़ किया है। I'm Zaid Kapadia, Captain Urban Slayers. First time participate कर रहा हूँ। Really thankful to the Mehman Jamaat Federation and especially the Dokadia brothers, Hashim Bhai, Usama Bhai and especially Asif Bhai. Hope the managing committee has a good outing and all the teams have a good outing. All the best to all the teams, especially to my team. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ यूनुस बुम्बिया फ्रॉम गोंडल मेमन जमात मुंबई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डोकाडिया ब्रदर्स एंड वाड़क जमात ने जो टूर्नामेंट रखी है, माशाल्लाह इसमें 9 टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें एक हमारी टीम भी है गोंडल जमात। ये मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि हमारी जमात 1957 से है, लेकिन हमारी जमात आज फर्स्ट टाइम किसी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो थैंक्स टू AIMJM एंड डोकाडिया ब्रदर्स। अल्लाह हाफिज़। हेलो, माय नेम इज़ फैज़ान देवलाली वाला। AIMJF का टर्फ टूर्नामेंट है, वालक जमात ने ऑर्गेनाइज़ किया है, हमज़ा डोकाडिया, हाशम भाई डोकाडिया ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चालू किया गया है और अच्छा इनिशिएटिव है आसिफ भाई अब्बा जुमा, हमज़ा भाई डोकाडिया, हाशम भाई डोकाडिया और यू स्पोर्ट्स कमेटी का। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वी आर प्लेइंग, थैंक यू। मेरा नाम इमरान अली मोहम्मद लतीफ़ है और मैं खनवानी जमात खाने से ताल्लुक़ रखता हूँ। खनवानी जमात खाने का ट्रस्टी हूँ मैं और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का भी मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है, इकबाल ऑफिसर इकबाल अंकल के अंडर में काफ़ी अच्छे से हर चीज़ में तरक्की कर रही है। और जहाँ तक ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का सवाल है, खास करके मेमन लोग है, मेमन लोग के जो हिसाब से खान पीन चलते हैं, वो हिसाब से जो हिसाब से लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसा ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे हर चीज़ में, तो इंशाल्लाह आगे स्पोर्ट्स भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आदमी खुद को हेल्दी रखेगा तो कारोबार में हर चीज़ में वो आगे तरक्की करते रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें एक यूनिटी भी बढ़ती है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं और अलग अलग जमात से इंट्रोडक्शन भी होते हैं। जहाँ तक मेमन कम्युनिटी का सवाल है, 400 के ऊपर जमात है जिसके चीफ जो है इकबाल अंकल ऑफिसर जो है आज की तारीख में बहुत अच्छे से उसको संभाल के लेके चल रहे हैं। और जो जो लोग ने ये ऑर्गेनाइज किया है मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नाम खुर्रम अब्बा जुमा है, मेरी टीम अब्बा जुमा रॉयल्स है। और टूर्नामेंट के बारे में जितना अच्छा है उतना कुछ बोल ही नहीं सकते, इसके बारे में वर्ड ही नहीं है। बहुत अच्छे टूर्नामेंट है, एक के बाद ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। आसिफ अब्बा जुमा है, हमजा है और मुन्ना भाई है, हाशिम डोकाडिया, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतना ईजी नहीं है ये करना, इसको मैनेज करना वगैरह बहुत टफ टाइम है और ऐसे टाइम में लोग मैनेज कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, अल्लाह इनको जो है जगह खेल। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, इससे यूथ में बहुत इनके अपना जमात के बारे में अच्छा वो आता है, फीलिंग्स आती है।
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।